क्लास 10th का हम लोग DNA रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर में, ठीक है। तो वैसे तो वीडियो में बना दिए थे इसके आगे वाला पार्ट बस, बट आवाज़ नहीं गया था, इस वजह से हमको फिर से एक बार बताना पड़ रहा है इस चीज़ को डायग्राम के साथ, ठीक है। तो आप लोग हम दिखाते हैं कि जो DNA रेप्लिकेशन है वह कैसे होता है और इसका मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए, पहले हम ये देखें बच्चों कि DNA का मतलब क्या है, कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होता है। तो न्यूक्लियोसाइड का तो ज़्यादा कम मतलब इसमें नहीं है उसका मतलब। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा टाइम इस पर हम नहीं देंगे, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। जो भी AGCTU लिखा हुआ है मतलब एडिनिन होता है, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये चारों DNA में होते हैं। और यूरासिल जो होता है वो RNA में होता है। तो RNA का 4 बेस कौन सा है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये 4 बेस RNA का होता है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि DNA जो होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, बिलियंस न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें। यहाँ हम देखिए डायग्राम में, देखिए पहले यहाँ पे, यहाँ बना है कि यहाँ पे क्या है, पेंटो शुगर है, पी प्लस एस दिख रहा है ना। तो पी प्लस जो एस है वो क्या है, पेंटो शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। अब प्लस जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो हमेशा DNA के अंदर के साइड में जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग को यहाँ हम दिखा रहे हैं कि एडिनिन और थायमिन, हमेशा एडिनिन के साथ बच्चों थायमिन ही ऐड होता है। और एडिनिन और थायमिन जो होता है वो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। जो यहाँ पे है वो बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कितना है, 2 है। इस वजह से क्या बोलेंगे कि एडिनिन और थायमिन जो होता है वो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। तो यहाँ भी तो देख रहे हैं ना कि हम जहाँ पे आप लोगों को बनाया सर्कल उसमें दिख रहा है कि पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और प्लस नाइट्रोजनस बेस में एडिनिन और थायमिन है। हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गए। ऐसे ही सारे DNA में सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे होते हैं। फिर देखिए, फिर दूसरे में क्या है कि पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, फिर गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। कभी भी ये गलती ना होने पाए कि एडिनिन थायमिन को ट्रिपल से करते हैं, गुआनिन साइटोसिन को डबल बॉन्ड से कर दें, नहीं होना चाहिए कभी भी ऐसा। ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, एडिनिन और थायमिन जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ही अटैच होता है। देख रहे हैं कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जहाँ पे है उसे हम कह रहे हैं बैकबोन। ये भी कह सकते हो कि बैकबोन किससे मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बैकबोन बना होता है उसका DNA का। तो DNA, द बैकबोन ऑफ DNA इज मेड अप बाय पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। हमको यहाँ ये जानना था कि DNA रिप्लिकेशन क्या होता है। सबसे पहले DNA रिप्लिकेशन के बारे में वाटसन क्रिक, एक साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले DNA रिप्लिकेशन को डिस्कवर किया था। बट इसके बाद भी कुछ और साइंटिस्ट आए थे जो इनके अगेंस्ट बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, बट बाद में वो भी नहीं सक्सेस हो पाए, लेकिन इन्हीं का जो भी कंसेप्ट था वही सिद्ध हुआ, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले DNA रिप्लिकेशन को डिस्कवर किया था। DNA रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, इसका मतलब होता है कि DNA का 2 पार्ट में टूटना। देख रहे हो DNA 2 पार्ट में टूटा है ना। हम ये दिखा रहे हैं कि जो एक वाला स्ट्रैंड है ये तो पेरेंट का है, ये भी पेरेंट का है, 2 स्ट्रैंड होते हैं तो। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाया है हम, तो जो डॉट डॉट वाला है वह क्या है, वह नया DNA स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। और बाद में जाके ये क्या होता है, 2 नया DNA स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव DNA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब एक DNA से 2 DNA का बनना ही रिप्लिकेशन कहलाता है। बच्चों रिप्लिकेशन होने में बहुत सारे एंजाइम हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे सारे एंजाइम का नाम लिख दिया हम, अबाउट 5 एंजाइम जो होते हैं वह हेल्प करते हैं DNA को तोड़ने में, किसने में, 2 पार्ट में, मतलब DNA को 2 पार्ट में करने में 5 एंजाइम होते हैं, 5 एंजाइम होते हैं। यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट एंजाइम जो होता है उसको हम टोपो आइसोमेरेज एंजाइम कहते हैं। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम का काम होता है कि DNA जो यहाँ पे देख रहे हैं कि हेलिकल फॉर्म में है, घुमा घुमा सा है, उस DNA को सीधा करने का काम करता है ये टोपो आइसोमेरेज। सेकेंड एंजाइम होता है हेलिकेज। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एडिनिन और थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है ये हेलिकेज एंजाइम। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सेकंड थर्ड एंजाइम है RNA पॉलीमरेज एंड फोर्थ है DNA पॉलीमरेज। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं जब हमारा DNA से नया DNA बन रहा होता है बच्चों, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पार्ट RNA का भी बनता है। जब RNA का थोड़ा सा पार्ट बनता है तो उस टाइम RNA पॉलीमरेज जो होता है, जो मैंने लिखा हुआ है, ये वहाँ पर हेल्प करते हैं। लेकिन जब पूरी तरह से दोनों DNA बन जाता है तो यहाँ से RNA पॉलीमरेज जो होता है वह हट जाता है और DNA पॉलीमरेज बन जाता है। एक बात और कि जब DNA से 2 DNA बन रहा है, थोड़ा सा फ्रेगमेंट भी होता है, उस फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है DNA लाइगेज।
डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को तोड़ने का काम करता है, और जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो डीएनए में फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उस फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम जानते हैं। कौन सा फ्रेगमेंट बोलते हैं उसको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और उसी ओकाजाकी फ्रेगमेंट को हमेशा कौन ऐड करता है? डीएनए लाइगेज। तब जाके दो नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देख लीजिए आप लोग रिप्लिकेशन प्रोसेस कितना टफ है। अगर रिप्लिकेशन को डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? द न्यू डीएनए स्ट्रैंड आर फॉर्म्ड, द न्यू डीएनए स्ट्रैंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ पेरेंट डीएनए। ठीक है, द न्यू डीएनए स्ट्रैंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ पेरेंट डीएनए, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्लिकेशन। ठीक, तो ये था आप लोग का रिप्लिकेशन प्रोसेस जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। इसको आप लोग एक एक पॉइंट को जितना मैंने यहाँ पे पेज पे लिखा हुआ है इसको आप लोग भी अपने नोट्स पे कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना रिप्लिकेशन समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, कभी भी जब डीएनए होता है तो डीएनए में जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे हमेशा ऐसे, अगर यहाँ पे हम बात करें एक और डीएनए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए है। इन डीएनए का जो फर्स्ट स्टैंड होता है ये वाला, यहाँ फाइव डैश कहते हैं, इसको फाइव प्राइम भी कह सकते हैं, वैसे प्राइम ही कहते हैं बट सब लोग डैश यूज करते हैं, इसको फाइव प्राइम और थर्ड प्राइम होता है। और फिर जो इसका अपोजिट वाला ये स्टैंड होता है, ये स्टैंड होता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ फाइव है तो इसका फाइव अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे थ्री स्टैंड होगा, प्राइम होगा, और यहाँ पे फाइव। कभी भी ये फाइव प्राइम होगा तो ये थ्री होगा, दोनों फाइव प्राइम नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पे भी दोनों फाइव, थ्री और फाइव ही होंगे, अपोजिट ही होंगे, कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। बच्चों इसका भी वजह होता है, जब आप लोग क्लास ट्वेल्थ में जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में बताया जाएगा कि फाइव स्टैंड, फाइव डैश हो या थ्री डैश क्या होता है, और कैसे फाइव डैश और थ्री डैश बनता है। इसके लिए आप लोगों को डीएनए आरएनए या पूरे नाइट्रोजनस बेस का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जानना होगा। तो यहाँ इतना बताना तो जरूरी नहीं क्योंकि क्लास बहुत छोटा है आप लोगों का, बस एक ही चीज़ जानना था रिप्लिकेशन क्या होता है। तो यहाँ देख लीजिए, डीएनए से डीएनए का बनना, द न्यू डीएनए स्ट्रैंड आर फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड डीएनए, सो इट इज कॉल्ड रिप्लिकेशन प्रोसेस। इसमें सारे एंजाइम हेल्प होते हैं और लास्ट में बनता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। इसको सबसे पहले कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इसको पहले कंप्लीट करिए, इसको टॉपिक तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें एक प्रोसेस और है इसी टॉपिक में, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मीन्स होता है कि जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं ना, तो जब बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं कि कुछ क्रोमोसोम में कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है। जब क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो वह एबनॉर्मलिटी हमारा क्या हो जाएगा? हेरिडेटरी डिजीज हो जाएगा, वंशागत बीमारी, जो हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना, तो ऐसी बीमारियाँ जो हमारे पेरेंट्स से हमारे में आते हैं तो वह डीएनए या जीन के द्वारा ही तो आएंगे ना, तो उस प्रकार के डीएनए को हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इज नोन एज ए म्यूटेशन। म्यूटेशन भी कई प्रकार के होते हैं तो यहाँ इतना डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस है उसमें एबनॉर्मलिटी का आना ही म्यूटेशन कहा जाता है। इसके वजह से हमारे हेरिडिटरी डिजीज हो सकता है जो हमारे एक पेरेंट दूसरे पेरेंट में ट्रांसफर हो जाता है बाय द रिप्रोडक्शन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ जीन। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए बच्चों, डीएनए रिप्लिकेशन को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा ये टॉपिक, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं।